गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, बड़ी प्रॉब्लम है और अच्छी प्रॉब्लम दिख रही है, पढ़ते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2014 इज एज फॉलो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखी है, प्लांट है, पेटेंट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट दे रखी हैं आपकी, ट्रेड रिसीवेबल स्टॉक डेफर्ड एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी दे रखा है। लाइबिलिटी साइड में आपकी शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इंटरेस्ट एक्रूड है, इसके बाद करंट लाइबिलिटीज दे रखी हैं। ओके, अब तो पढ़ते हैं नीचे से। द कोर्ट अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2014। ठीक है जी। द प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिटर्न डाउन टू 75 ईच एंड इक्विटी शेयर्स टू 2 rupees to ईच ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड विच आर इन एरियर फॉर 4 ईयर 3/4 टू बी वेव्ड ऑफ एंड इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड फॉर द रिमाइंडर। फ्रेंड्स, ये देखिए जरा, ये पॉइंट आपको मैंने अभी एक इससे पहले एक क्वेश्चन जब कराया था उसमें कंसेप्ट कराया था, मैंने बताया था कि अगर प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड का एरियर है वो बुक्स में बैलेंस शीट में शो है तो वो कन्फर्म लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट के बाहर शो है तो वो सोन लाइबिलिटी है, और जो सोन लाइबिलिटी है उसमें से हम जितना पे करते हैं वही हमारी एंट्री होती है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू बी पेड इन कैश, डिवेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू इतना, एटा वैल्यूएशन इतना, इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश सिक्योर्ड बाई फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ इतना। एक तो उन्होंने कहा 1,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी ले जा रहे हैं, ठीक है, और बाकी एक्स्ट्रा पैसा भी दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, पेटेंट गुडविल एंड डिफर्ड एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ करना है, स्टॉक को करना है, बैड डेट्स इतना करना है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिवेल्यूड इतने पे करना है, इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया, सोल्ड है, ध्यान रखिएगा सोल्ड। डायरेक्टर टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन एट एज टू 90% देयर ऑफ बाई अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच एंड टू 5% इन कैश। ओके, मतलब जो डायरेक्टर ने लोन दे रखे हैं उसमें से 90% के तो शेयर दे दीजिए, 5% कैश में पे कर दीजिए, 5% वेव कर दीजिए। अब यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, देयर वर कैपिटल कमिटमेंट ₹2,50,000, दीज कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी कैंसल्ड एंड अ पेमेंट ऑफ 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज पेनल्टी। हमने 2.5 लाख रुपीज का एक कॉन्ट्रैक्ट करना था कि हम ये करेंगे, अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो 5% की हमें पेनल्टी देनी होगी। इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू शो जनरल एंट्री रिफ्लेक्टिंग द अबव ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्कीम। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें पहले हमें जनरल एंट्री बनाएंगे, फिर हम उसके बाद उनके बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट दिखाएंगे। यहाँ लिखें जनरल एंट्रीज, सबसे पहले जो इन्होंने एक एक स्टेप वाइज इसको करते जाए, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स को राइट ऑफ राइट डाउन करना है। तो हमारे 4,000 इक्विटी शेयर्स हैं तो हम लिखेंगे 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 6% प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो हम लिखेंगे 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 ईच अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 ईच अकाउंट। 4,00,000 रुपए के थे
75 करेंगे तो 3 लाख रुपए हो जाएंगे, और 1 लाख रुपया हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स में आ जाएगा। ठीक है, या नरेशन लिखें। नंबर टू, इक्विटी शेयर देखें, कितने इक्विटी शेयर्स हमारे 75,000 के इक्विटी शेयर्स हैं। सो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज एक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपीज ईच कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये 7,50,000 है। ठीक है जी, यस। चलिए आगे पढ़ें। ऑफ द प्रिफरेंस डिविडेंड विच आर इन एरियर फॉर 4 ईयर्स 3/4 टू बी वेव्ड आउट एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच टू बी अलॉटेड फॉर द रिमाइंडर। तो थर्ड एंट्री हमारी सिक्स परसेंट से 4 लाख पे 4 साल का, ये होता है 96,000। वेव हो गया है 3/4, दैट इज 72,000। पे किया हमने 24,000। अब ये जो 24,000 है ये हमारी चूंकि एक एडिशनल लायबिलिटी है, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में तो कोई प्रेफरेंस या डिविडेंड दिया नहीं है, तो हम ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से क्रिएट करेंगे। ₹12,000 इनको हम इश्यू करेंगे। ठीक है जी, चलिए। एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स टू बी पेड इन कैश, तो चौथी एंट्री लिखेंगे। एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट कितना है 22,500। कोई भी ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चंस आपको करते जाने। ठीक है जी, अब आगे देखें। डिवेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बुक वैल्यू ऑफ ₹1,00,000 एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000। ठीक है, ओके, आगे देखें। इन पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ ₹1,30,000। ठीक है, पांचवें नंबर की एंट्री जो होगी 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये 8% डिवेंचर के लिए नया पैसा लेके आएंगे 1,30,000। वो एंट्री अलग है, ये एंट्री अलग है। ठीक है जी, आगे देखें। पेटेंट गुडविल एंड डेफर्ड ये राइट ऑफ करना है। स्टॉक हमारा 65,000 रिटर्न डाउन करना है। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इतने पे वैल्यूड है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड है
तो ये बेच दिए हमने। इन्वेस्टमेंट कितने थे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट जो देखिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारे थे 55,000 के, बेचे हमने कितने में, 1,40,000। सो 7 नंबर बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू इन्वेस्टमेंट 55,000 और 85,000 का इसमें प्रॉफिट हुआ। और जो भी प्रॉफिट है वो आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है जी। यस, चलिए आगे देखें। अब डायरेक्टर्स की बात करें, डायरेक्टर टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफ देयर लोन 90% बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड 5% इन कैश एंड 5% वेव्ड ऑफ, ठीक है। आठवें नंबर पे एंट्री होगी, डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट होंगे, ये 1,00,000 का है। इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000, 90% 5% 5,000 हमने नगद दिया। कैपिटल रिडक्शन में बाकी पैसा जो वेव कर दिया वो आ जाएगा, ठीक है। नाउ देयर वॉज अ कैपिटल कमिटमेंट, वो हमें पे करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा तो वो हम एक तरह से एक एडिशनल एक्सपेंसेस या लाइबिलिटी है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,50,000 का 5% 12,500 ये हमने पे कर दिया, ठीक है जी। यस, अब आप देखिए सिर्फ जो एसेट्स की रिवैल्यूएशंस हैं, राइट ऑफ्स हैं, उनके अलावा हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। एक एक करके फिर भी देख लें, नंबर 1 डन, नंबर 2 डन, नंबर 3 डन, नंबर 4 डन, 5, 6, 7, 8 अभी हमारा रुका हुआ है। चलिए पहले प्रॉपर्टीज़ की रिवैल्यूएशन कर ले, ठीक है। तो एक हमारी बुक वैल्यू है और एक है रिवैल्यूड है। जो डिवेंचर्स ले गए हैं 1,00,000 की वैल्यू 1,20,000 में ले गए हैं, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। टोटल हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है, 4,25,000 की। तो 4,25,000 की है, तो इसके बाद जो बची वो बची 3,25,000 की। और 3,25,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिवैल्यूड कितने पे हो रही है, 387,500। इसका मतलब है जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी रिवैल्यूड हुई वो 5,07,500 है। तो एंट्री हमारी क्या होगी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डिडक्शन कितना, 82,500, ठीक है, 82,500।
अब हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स में जो भी है उसको यूज करना है। तो हम देखें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हमारे पास बैलेंस है कितना। एक एक एंट्री से देख लें। जो पहली एंट्री है इससे हमें 1 लाख मिला, दूसरी एंट्री से 6 लाख, ठीक है। तो 1 लाख प्लस 6 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड आपने 24,000 दे दिया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट से आपके पास सातवीं नंबर एंट्री से 85,000 आए, और 5,000 यहाँ से आए डायरेक्टर के लोन से, ये टोटल एंट्रीज है। चलिए तो देख लें, इसका होगा 70 और 90, 160, तो ये हो गया 836। सो 8,36,000 हमारा टोटल आएगा। तो हम एंट्री लिखेंगे कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट 8,36,002। अब जो भी एसेट्स हैं उनको इसके हिसाब से करते जाए। सबसे पहले तो देखिए लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है मेरा 4,35,000 का, सॉरी एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा खत्म कर दीजिए। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट है 1 लाख रुपए का, इसे भी खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद नीचे दिया है पेटेंट और गुडविल, ये भी खत्म करना है, पेटेंट एंड गुडविल खत्म करना है। तो पेटेंट हमारे हैं 37,000 के एंड 1,30,000 की है गुडविल। पेटेंट 37,500, गुडविल 1,30,000 की, ठीक है जी। अब और देखें बुक में क्या दिया है, स्टॉक 65,000 और बैड डेट्स हमारा 68,500। और कुछ है नहीं। चलिए क्या लिखा था इन्होंने, ठीक है। तो आप देखिए ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है, मतलब ये फिगर टैली हो रही है। अगर इसमें कोई बैलेंस आए तो वो कैपिटल रिजर्व में लिखना होता है, बट इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम ये बैलेंस शीट बना देंगे। अभी सिर्फ हम आपके लिए रफ पे बना रहे हैं आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। ये ओरिजिनल बैलेंस शीट बना के हम ये एक बार टैली कर लेंगे कि हमारी सारी चीज़ें आ गई हैं कि नहीं आ गई, ठीक है जी। यस, सो नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल्स में देखें हम हमारे पास कितनी इक्विटी शेयर्स हैं। चलिए आपके पास 75,000 के थे इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इसके बाद आपने 90,000 के शेयर्स इनको इशू किए, मतलब 45,000, और 12,000 शेयर्स आपने प्रेफरेंस डिविडेंड को दिए। तो
132,000 शेयर्स हो गए 264,000 के, ठीक है जी। अब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे 75,000 हैं, सॉरी 4,000 हैं, ये 75 रुपीज़ के बना दिए हैं। तो ये हो गए हमारे 3 लाख, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में हमारे पास कुछ नहीं है। अब 6% डिबेंचर और 8% डिबेंचर, दो डिबेंचर हो गए हैं। 6% डिबेंचर हमारे पास 375 के थे, इसमें से 120 के तो हमने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दी, तो 375 में से 120 निकल गए, तो बचे अब 255 और 130,000 के नए फंड्स आए थे, ठीक है। एक्यूरेट इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 195 है, ट्रेड पेबल 3 लाख का है, ओवरड्राफ्ट 195। चलिए अब ये चेंज हो जाएगा, आप ट्रेड पेबल लिख रहे हैं, ये 3 लाख के हो गए, ठीक है जी। अब आ जाती है हमारी फिक्स एसेट्स की, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी 387,500 की है, ठीक है। एसेट्स की बात करते हैं, प्लांट हमारा 50,000 का है, इन्वेस्टमेंट हम बेच चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल हमारे 485 के हैं, इनमें 68,500 का हमने प्रोविजन बना लिया है, तो ये बचेंगे 417,500। स्टॉक में हमने 65,000 कम किए थे, स्टॉक हमारा 425 है, तो बचा 360। अब सिर्फ बैंक बैलेंस की बात करें, तो बैंक बैलेंस में हमारे पास 190,000 का ओवरड्राफ्ट था, ठीक है। 130,000 हमारे पास डिबेंचर होल्डर ने दिए, 140,000 हमें इन्वेस्टमेंट को बेचने से मिला, ठीक है। 22,500 हमने एक्रूड इंटरेस्ट पे किया, 5,000 रुपये हमने डायरेक्टर का लोन पे किया और 12,500 हमने कैपिटल कमिटमेंट पे किया, तो 35,40, ठीक है जी। चलिए और क्या है, एक बार और रिव्यू कर लें। अच्छा, 195 का था ओवरड्राफ्ट, तो ये अब 35,000 का बैंक बैलेंस बचा। इसका टोटल करें तो इसका टोटल आना चाहिए 13,255,000 देखिए, 3 लाख, 6 लाख, 8,60,000, 9,94,000, 9,99,000, 12,49,000, ठीक है। ये हमारी बैलेंस शीट हुई है। अब इस बैलेंस शीट के बेसिस पर, मतलब ये जो मैंने जनरल एंट्रीज करी हैं, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनाना हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है।
तो शेड्यूल थ्री की बैलेंस शीट हम बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ लिमिटेड एज ऑन ए आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नोट नंबर और यहाँ अमाउंट, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज एसेट्स, शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग थर्ड करंट लायबिलिटीज ठीक है जी, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबिल और क्या था हमारा, ट्रेड पेबिल के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है जी। यहाँ का टोटल आ जाएगा एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स, इसमें टेंजिबल करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड बैंक बैलेंस, ये टोटल लायबिलिटीज का और ये टोटल एसेट्स का। नोट नंबर वन आपका शेयर कैपिटल का होगा, नोट नंबर टू हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बना रहे हैं, ठीक है, नोट नंबर थ्री हम टेंजिबल एसेट्स का बना रहे हैं। चलिए सो नोट नंबर वन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 1,32,000 शेयर्स ऑफ द रूप 10 ईच 2,64,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 4,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 75 3 लैक्स, ये हो गया हमारे 5,64,000। नोट नंबर टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6% डिवेंचर 2,00,000
55,000, 8% डिवेंचर 1,30,000, टोटल 3,85,000। सो ये 3,85,000, ठीक है। ट्रेड पेबल देखें कितने हैं हमारे, 3,00,000 के, ट्वेल्व लैख 49,000, ठीक है। अब नोट नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे बन जाएगा। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,87,500, प्लांट 55,000, यह है 4,37,500। सो 4,37,500, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स कुछ बच रही है, इंटेंजिबल तो कुछ भी नहीं बच रही है, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नहीं है। इंटेंजिबल भी हमारे पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। इसके बाद इन्वेंट्रीज, ये हम नोट बना रहे हैं, वैसे जरूरत नहीं है। नोट नंबर 4 इन्वेंट्रीज, स्टॉक हमारा था 4,00,000, सिक्सटी फाइव थाउजेंड का रिडक्शन करके 3,60,000 का होगा। चलिए कोई ज़रूरत नहीं है, फिर रहने दीजिए, इनमें डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो इन्वेंट्रीज आएंगी 3,60,000, ऐसे ही रिसीवेबल्स जो है वो हमारे 4,17,500 के हो जाएंगे। इसका नोट बना देते हैं बैंक का, ये आपका ठीक रहेगा। सो नोट नंबर 4 कैश एंड बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 1,90,000, ठीक है। इसके बाद 1,30,000 डिवेंचर होल्डर लेके आए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से हमें 1,40,000 मिले, एक्रूड इंटरेस्ट हमने पे किया है 22,500 का, 12,500 का हमने कैपिटल कमिटमेंट भी था वो पे कर दिया, और 5,000 का हमने डायरेक्टर का लोन दिया, ये 195 है। ये 35,000 का हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस बचेगा, ठीक है। 35,000 ये कैश एंड बैंक बैलेंस लिखें, और ये बैलेंस शीट का टोटल 12,49,000, ठीक है। चलिए समझ आ रहा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, थैंक यू वेरी मच।